प्रीमियम क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि यदि तो इस वजह से प्रीमियम, क्योंकि इधर की जो जो जन है वो इधर है और उधर के उधर रुके हुए हैं। तो क्योंकि देखो आप सभी को देख लो, सब यहीं पे यमुना जी को दंडवती करके यहीं से आचमन करके अभी यहीं से वापस जाएंगे। एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये, देखो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये सब कटाव यमुना जी के जल की वजह से भयो। यमुना जी को जो जल है यहाँ से आयो, ये सब यहाँ पे ऐसे ऐसे कर कटाव भयो, इस सब का छूटे को ये गड्ढे आ गए इन्हीं। और प्रेमियों एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये यमुना जी को जलस्तर यहाँ तक हो, क्योंकि ये जो यहाँ से उछली हुई है ना, देखो ये बहके, देखो ये ऐसी नहीं है कि, क्योंकि यदि धीरे धीरे टूट टूट के आती तो ये तितर बितर यानी कि कंकड़ कंकड़ हो जाती, ये पूरी पट्टी की पट्टी उछली आई है। देखो देखो ये दुर्घटना। देखोगे जाके तो आप खुद ही दिख जाओगे सीन जी जैसे निकल रहे हैं। पाम अगर यूं करके चल दियो ना तो गयो। राधे राधे प्रेमी। अब जो कि ग्रामीण वासियों ने बताया था कि ये रास्ता बिल्कुल बंद है, यहाँ से जाना सुविधाजनक नहीं है, तो अब हम घूमने दूसरे रास्ते से जाएंगे, पुल के रास्ते से, अगर संभव हो पाए तो वहाँ से होते हुए सेवा संपादित करेंगे, और यदि नहीं हो पाती तो आगे श्री जी के लेंगे। अब हम सब आप सभी प्रेमियों को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे। प्रेमियों जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार श्री जी की कृपा से जो वृंदावन धाम की सेवा जो श्री जी ने दी है उसमें प्रेमियों लगातार सेवा में है, जैसी भी श्री जी कृपा से बन पा रही है। और प्रेमियों जैसा कि आप सतत रूप से ये भी देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं कि जो यमुना मैया की जो लीला चल रही है वृंदावन धाम में, वहाँ पे कई ब्रजजन, कई संतजन और गौ माताएं, बंदर यानी कि सभी जीव उनके साथ अव्यवस्था चल रही है, क्योंकि वो संतजन अपनी कुटिया से बाहर हैं, ब्रजजन अपने घरों से बाहर हैं, और कुछ संतजनों की कुटियाएँ भी यमुना जी में बह गई हैं। तो प्रेमियों जैसा कि आप आज भी देख रहे होंगे, अभी हम खड़े हुए हैं एक यमुना मैया के ही एक पुल पे, और एक बार भैया बहाव दिखा दो यमुना मैया को। देखो सबसे पहले तो जो यमुना मैया को एक विशाल स्वरूप को दर्शन करो, देखो उधर देखो वो, ये भी वृंदावन धाम से लगी हुई एक बस्ती है, एक गांव है, वहां तक यमुना मैया को बहाव है, और देखो इधर देखो, ये देखो इधर भी पार यहाँ तक, यानी कि ये एक कई किलोमीटर की दूरी को जो क्षेत्रफल यमुना मैया ने बना रखो है। और प्रेमियों साथ के साथ आपको ये चीज और बता दूं, जो जो यहाँ पे ब्रजजन इनकी जो खेती आती है, जहाँ वो जिनकी खेती हो रही जो किसान है उनकी, तो वो भी यमुना मैया में बह गई। प्रेमियों जो साथ के साथ जो श्री जी कृपा से जो सेवा श्री जी ने जो दे रखी है उसको लेते हुए देखो सामने वो आपकी जो वाहन है उसमें कुछ राहत सामग्री है, यानी सेवा सामग्री है। राहत सामग्री तो हम देखो नहीं पहुँचा सकते, तो सेवा सामग्री है जो भी छोटी छोटी है उसको लेके आज भी आए हुए हैं। और चूंकि प्रेमियों आगे जो जो यहाँ के जो निवासी जन हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ से आगे जाओगे, क्योंकि अभी तो हम पुल पे खड़े हैं, पुल से जैसे नीचे उतरोगे तो यमुना मैया का बहाव सड़क पे है, सड़क भी कट चुकी है। अब वहाँ पे यदि प्रशासन आगे तक जाने की अनुमति दे देंगे तो आगे भी जाएंगे, सेवा संपादित करेंगे, और यदि नहीं हो पाए तो वो आगे श्री जी की इच्छा। भैया एक बार ये एक बार ठीक से बहाव दिखा दो, क्योंकि इतना ज़्यादा बहाव है और जल की जल बहुत मात्रा में है, और जैसी अभी खबर आई है कि दोबारा से जल छोड़ दियो है पीछे से, यानी कि जहाँ से यमुना मैया को जो हथनी कुंड बैराज है वहाँ से दोबारा से जल छोड़ दियो, ऐसी खबर सुनी है हमें, पता नहीं है कि नीचे तो है सका अभी दोबारा से और जल स्तर बढ़ने की संभावना है। तो प्रेमियों हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये बस अब थोड़ी राहत दें, बहुत यानी बहुत जो संत जनन को भी और ब्रजवासी जनन को जो संघर्ष को समय है वो अब
यानी कि ठाकुर जी को खत्म करें और उनको थोड़ी राहत दें। साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो यमुना मैया जो वृंदावन धाम की परिक्रमा है वहाँ से यमुना मैया को जल स्तर काफ़ी कम हो गया, यानी कि वहाँ पर सामान्य स्थिति होने को और अग्रसर है। और यद्यपि यहाँ पे जो यमुना मैया के तट पे जो जो ब्रजवासी जनन की संत जनन की कुटिया हैं वहाँ उनकी जद्दोजहद अभी बरकरार रूप से चल रही है, क्योंकि वहाँ पे यमुना मैया को स्तर इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और प्रेमियों, आप सभी की ओर से मैं एक बार यमुना मैया को आज पुनः नमस्कार और वंदन कर रहा हूँ कि यमुना मैया बहुत सुंदर दर्शन दे रही हैं, क्योंकि ये दर्शन भी बड़े पावन पतित हैं, क्योंकि इतने एक सीमित क्षेत्र में यमुना मैया को बहाव हो गए पहले। तो प्रेमियों, अब हम यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि जो अभी पुल पे आपको दिखा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आगे जो प्रशासन की जो चौकी है वो यानी कि जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, जिन्होंने साफ मना कर दिया वहाँ पे आगे जाने से। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ में ना जो जो श्री जी के पास है जो बनता है यहाँ में, जो भी यानी कि जो राशन सामग्री आदि सारी चीज़ यहाँ में रखी हुई है। अब आगे चूँकि प्रशासन की जो व्यवस्था है तो वहाँ में हम ज़्यादा हस्तक्षेप कर ना सकें। देखो यहाँ तक यमुना जी को जल है, ये सारी चीज़ें डूबी हुई हैं यहाँ पे, ये भी यमुना जी को ही जल है। और आगे जो कि अब जो प्रशासन है उनकी जो जो उनकी कार्यविधि वहाँ में हम हस्तक्षेप कर नहीं सके ना, पर ज़्यादा कुछ कह सके। आ जाओ राधे। तो प्रेमियों, जैसा कि अभी आपको दिखाया वहाँ पे जो प्रशासन की जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वहाँ से कोई भी वाहन अंदर नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो भी ये परिक्रमार्थी हैं भैया राधे राधे। तो भैया अब आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप उधर ही जाना है, आप उस पार तो जाना है हमें, तो कैसे जाओगे अब? कोई सुविधा तो है नहीं, तो पुलिस मुलिस सब रुक रहे हैं कि अभी मत जाओ। हाँ रुक जाओ, तो फिर अब रात को यहीं पे रुकेंगे, देखेंगे रात, फिर नहीं रुकेंगे तो फिर आगे और पीछे जाएंगे, पीछे इंतजार करेंगे, दूसरी गली जाएंगे ना कहीं से। तो प्रेमियों आप देख रहे हैं ना, ये सभी यानी कि ये आए हुए हैं एमपी से, यानी परिक्रमा दे रहे हैं। और चूँकि प्रेमियों जो यहाँ की खबर है जो अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये इस वजह से व्यवस्था बना रखी है कि यहाँ पे ना जो अभी एक दो चार दिन पहले कोई बच्चा है जो बाइक लेके जा रहा है, तो बाकी समझ जो दुर्घटना घटी यानी कि उसको यानी कि उसके साथ जो दुर्घटना घटी, इस वजह से सारी चीज़ें बंद कर दी है कि वो जाए नहीं, कोई और दोबारा कोई ऐसी घटना ना घट जाए। लौट के आ रहे हैं सभी भक्तजन जो भी हैं, मीन ग्रामीण वासी, वो सभी वापस लौट के आ रहे हैं, क्योंकि उधर जाने की कोई सुविधा ही नहीं है। आज अपने में देखें, अब श्री जी की कृपा है, श्री जी की इच्छा है, ठाकुर जी की लीला है, और ठाकुर जी की इच्छा है यदि सेवा संपादित होगी तो उसमें भी ठाकुर जी की कोई लीला है, कोई इच्छा है, और हो जाती है तो भी है, और नहीं होती तो भी है। प्रेमियों हमारा राधे श्याम, तो कितना जल स्तर है यमुना जी को? तो बहाव ज्यादा है, तो बांध तो यहाँ पे बंद कर रखे, बांध क्यों बंद कर दिए? सड़क टूट गई है, पानी भेज, तो जो यानी ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ क्यों बंद कर दिए यहाँ पे? पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, घना घर के आना पानी है, मतलब एक हल्का आदमी तो बह सके, बह सके, बह सकता है यहाँ। अच्छा जी, बहने को ज्यादा खतरा है पानी का, तो आप फाट से देखोगे। हाँ हाँ, तो और ही कहानी है कुछ। अच्छा, तो ये करम बाबा की कुछ श्री ठाकुर जी की कृपा तो कुछ राहत सामग्री है बाबा सेवा, यानी कि जो जो यानी जिनको बाढ़ पीड़ित है उन तक, तो वो पहुंच सके का माध्यम से यदि वहाँ पे लेके जाएंगे वाहन? हाँ, कोई वाहन पहुंच सके उधर, वाहन भाई साहब कोई ट्रैक्टर ही पहुँच जाए, पता अब चाहे तो जमना उतार है आज डटो ये काट देना, बिल्कुल निकल वाहन, तो प्रशासन तो ट्रैक्टर भी कुछ भी नहीं आने दे रहे वहाँ से भाई। आए तो अब हम कैसे कर सकते, सड़क खराब हो सकती है पानी वजह से, कहीं गड्ढा बना दिया हो, ट्रैक्टर बदल जाए, खड्डे हो, ट्रैक्टर बदल जाए, तो बताओ क्या करेगा प्रशासन? अपनी जगह सुविधा इसलिए नहीं है अंदर, कहीं कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या घट जाए तो ऐसी बात ना, प्रशासन गलत नहीं, प्रशासन हाँ, अपनी जगह सत्य है। हाँ, कोई घटना नहीं घट जाए, हाँ, 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 रोक दिए, रोक दिए। अभी हमें आप वहाँ देखोगे जाके तो आप खुद ही दिख जाएगा सीन जैसे निकल रहे पाम, अगर यूं करके चल दियो ना तो गयो जाएंगे पाँव बिल्कुल करके चलेंगे। तो ठीक है राधेश्याम बाबा, राधेश्याम भैया, तो प्रेमियों एक बार चल रहे, एक बार देख रहे हैं, चूँकि अभी जो ये यहीं के ग्रामीण जन है यानी ग्रामीण वासी हैं जो कह रहे हैं कि प्रशासन ने उचित व्यवस्था बना रखी कि कोई घटना नहीं घट जाए। और प्रेमियों एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये यमुना जी को जल स्तर यहाँ तक हो, क्योंकि ये जो यहाँ से उछली हुई है ना, देखो ये बहके, देखो ये
ऐसी नहीं है कि क्योंकि यदि धीरे धीरे टूट टूट के आती तो ये तितर बितर यानी कि कंकड़ कंकड़ हो जाती है, ये पूरी पट्टी की पट्टी हो चली आई है। देखो देखो ये यानी कि यमुना जी में पूरी उछल के आ गई, ऐसे इतना तेज बहाव यानी कि यहाँ तक यमुना जी को बहाव बहुत ज़्यादा। और देखो भैया इधर देखियो, ये यमुना जी के कटाव के कारण है ये सारी चीज़ें, ये यानी कि पत्थर भी यमुना जी में बह गए सब। प्रेमियों अब चल रहे हैं, देखो वहाँ पे यमुना जी को दर्शन करें, कितना तेज बहाव है मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। भैया देखियो आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये वो जगह है जहाँ पे अभी तक यानी कि आपने दर्शन करें जिन 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 जगहों के, यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाया अभी तक। क्योंकि देखो प्रेमियों आवाज़ आ रही है यमुना जी के जो बहाव को, जो जल स्तर को बहाव है, देखो ये सब सड़क है, सड़क भी बह गई है हमें यमुना जी के जल में। देखो ये सब सड़क है, क्योंकि ये तो बहुत पक्की और मजबूत रहे भाई, ये भी यमुना जी के जल स्तर के आगे यानी कि वो हो गई बह गई। एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर, ये सब कटाव यमुना जी के जल की वजह से बहो, यमुना जी को जो जल है यहाँ से आयो, ये सब यहाँ पर ऐसे ऐसे कर कटाव बहो, इस सब का छू देखो ये गड्ढे आ गए, इन्हीं गड्ढे की वजह से, क्योंकि ऐसे ही गड्ढे यहाँ सड़क में आ गए या वजह से यहाँ पे सब कुछ आना जाना बंद कर दियो। और आगे प्रेमी प्रयास करें कि वहाँ तक पहुँच जाए, तो देखो कितना ज़्यादा बहाव है, कितना ज़्यादा जल स्तर है। देखो जी यमुना जी को बहाव दिखाओ भैया जी। तो प्रेमी यहाँ पे आगे तो जा ना सके क्योंकि बहुत ज़्यादा असुविधा आ जाएगी, भैया आप भी इधर आ जाओ, ये ना यहाँ पे क्योंकि फिसलन आ रही है, कोई असुविधा आ जाए प्रेमी, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यदि यमुना जी को जल ऐसे गिर रहे हो ना, तो ये संभव है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा बना होगा। तो यहाँ पे ये भैया यहीं के ही हैं, ये भैया यहाँ पे जो ट्रैक्टर वगैरह बंद कर दिए, तो ये क्यों बंद कर दिए, थोड़ा कारण बता देंगे? कारण ये है जी, भाव ज़्यादा है यमुना का, इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं, इधर 30 फुट ओंडा है गड्ढा है, 30 फुट गहरा है, 30 फुट गहरा है, 30 फुट गहरा है गड्ढे इनकी, क्योंकि यमुना जी का बहाव इतना ज़्यादा है कि सब काट दियो, क्योंकि तो इस वजह से प्रेमी, क्योंकि इधर की जो जन है वो इधर है और इधर के उधर रुके हुए, तो क्योंकि देखो आप सभी को देख लो, सब यहीं पे यमुना जी को दंडवती करके यहीं से आचमन करके अभी यहीं से वापस जाएंगे, क्योंकि बहाव इतना ज़्यादा है यमुना जी का कि संभव नहीं है उधर जाना। तो प्रेमियों आप एक बार भैया दिखा दो, इधर दिखा दो, जो जन इधर के इधर है उधर के उधर है, आना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी घटना घट सके इस वजह से। तो प्रेमियों आज की सेवा नहीं हो पा रही है, वो ठाकुर जी के इच्छानुसार है, तो ये भी उचित ही है, कोई ना कोई इसमें लीला होगी, कोई ना कोई लाभ है, तो हमारा आपको कोई ना कोई लाभ है। तो इस वजह से आप सभी प्रेमियों को अब क्योंकि सेवा संपादित नहीं हो पा रही, तो अब हम चलेंगे बरसाना धाम वापस, श्री राम वृंदावन आए हुए थे श्री जी की सेवा लेकर, और ये भी एक अच्छी लीला रही श्री जी की कि आज प्रसाद में यानी कि वो नहीं थी, यानी भोजन नहीं था, तो वो सूखी सामग्री है तो वो खराब नहीं होगी, ये भी ठाकुर जी की एक न्यारी लीला है कि वो प्रसादी भी यदि होती तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रयोग नहीं हो पाता, तो वो खराब हो सके। तो आज ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला ये भी रही कि प्रसादी सूख और आसन हो, जो कि फिर कल भी वितरित हो सके, जहाँ में कोई भी वो नहीं होगी खराबी। तो अब आगे देखते हैं, जैसी श्री जी की इच्छा होगी तो आगे फिराएंगे सेवा लेके, तब तक के लिए प्रेमी आप ऐसे ही जुड़े रहें, और जो आपको जो समर्थन मिल रहा हो, स्नेह मिल रहा हो कमेंट के माध्यम से, आप राधे राधे लिखते रहो प्रेमी। तो अब मिलते हैं अगले ऐसे ही दर्शनों में, यमुना मैया के ही दर्शनों में आगे सेवा में चलते रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार यमुना मैया के दर्शन कर रहे हैं, और आगे जब तक श्री जी चाहें ये दर्शन चलेंगे। तो आप जुड़े रहें प्रेमियों, आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। की तरफ से मैं यमुना मैया को दंडवत कर रहा हूं, और आप भी मानसिक रूप से दंडवत करो यमुना मैया को, क्योंकि ये जो पावन पर्व के दर्शन होने बहुत दुर्लभ है, आप भी दर्शन दंडवत करो। जय श्री राधे राधे प्रभु।